दोस्तों अभी मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री से राजद के कद्दावर नेता और बिहार के अररिया के वर्तमान सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की मौत हो गई। बताते कि राजद सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सरकारी आश्वासन समिति के टूर पर चेन्नई गए हुए थे, इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अररिया से राजद सांसद तस्लीमुद्दीन के निधन पर लोजपा प्रमुख सह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने संवेदना जताई और कहा कि काफ़ी अनुभवी साथी थे तस्लीमुद्दीन। अररिया सांसद के निधन पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने शोक जताया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने भी शोक जताया। राजद सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना और विनम्र श्रद्धांजलि। उनके निधन से राजद परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। दोस्तों तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही खबर आई थी कि उनके हालात में अब सुधार हो रहा है और उन्हें अब आईसीयू में रखा गया है। इसके बाद आज अचानक से खबर आई है कि राजद सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की मौत हो गई। लंबे समय से बीमार चल रहे सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और खांसी में खून आने लगा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अपडेटेड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ भारती हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।